हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर मैन इंडस्ट्री के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू देखें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, मतलब पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में 28% की ग्रोथ बताई है और 630 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। उसी के सामने अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो 29% से इंक्रीज़ हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर मतलब अगर आप क्वार्टरली वाइज देखें तो कंपनी ने एक ही क्वार्टर में अच्छी खासी ग्रोथ बताई है। अब यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 13% से इंक्रीज़ हुआ है और नेट प्रॉफिट 31 करोड़ का किया है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले दिसंबर के क्वार्टर में 30 करोड़ का था। तो यहाँ पर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में यहाँ पर फ्लैट है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर फ्लैट रिजल्ट आया है, लेकिन क्वार्टरली वाइज यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ठीक ठाक कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस की बात करें तो फाइयर हाई है 160.75, बट करंटली 101.80 पे ट्रेड कर रहा है, 1.39% अप है। लेकिन जैसे कि इसके ठीक ठाक रिजल्ट्स आए हैं तो ये आपको ऐसे ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, मतलब आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी। तो अगर आपको ट्रेड लेना है इस शेयर में तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको मैन इंडस्ट्री के Q3 के नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।